आज हम करते हैं हरियाणा जीके। तो हरियाणा की जीके में आज मैं आपको हरियाणा के गवर्नर मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हरियाणा का जो पहला गवर्नर, पहला राज्यपाल जो आता है, हरियाणा के पहले राज्यपाल या गवर्नर जो आते हैं वो आते हैं आपको बताया धर्मवीर। धर्मवीर जो है हरियाणा के पहले गवर्नर थे जो 1966 में बने थे, और उसी समय भारत हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री यानी सीएम बने थे भगवत दयाल शर्मा। तो हरियाणा के पहले गवर्नर धर्मवीर और पहले मुख्यमंत्री आते हैं भगवत दयाल शर्मा। वर्तमान जो गवर्नर है, वर्तमान गवर्नर आएंगे कप्तान सिंह सोलंकी, और मुख्यमंत्री जो है आपको पता है मनोहर लाल खट्टर। तो हरियाणा में चौथे लाल के रूप में मनोहर लाल खट्टर जो है वर्तमान में सीएम है, जो निर्वाचित बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हम देखते हैं हरियाणा में, जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले धर्मवीर थे, धर्मवीर के बाद दूसरे गवर्नर आए हैं, धर्मवीर के बाद आए थे हमारे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, यानी हरियाणा के दूसरे गवर्नर जो थे वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। ये जो है सबसे लंबे समय काल तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने हरियाणा में सबसे लंबे समय काल तक गवर्नर के पद को चलाया था। इसके अलावा सबसे कम अगर गवर्नर आए आपको, तो सबसे कम गवर्नर में आता है ओम प्रकाश वर्मा। ओम प्रकाश वर्मा जो है वो सबसे कम समय काल तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति रहे हैं। इसके अलावा सबसे अधिक जो क्वेश्चन आते हैं आपको, सबसे अधिक जो क्वेश्चन आएंगे वो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के बारे में आते हैं, यानी मुख्यमंत्री के बारे में। तो मैं आपको मुख्यमंत्री से संबंधित सभी प्रश्न बताऊंगा। जैसे सबसे पहले हरियाणा में तीन लाल जो हैं, हरियाणा के तीन लाल प्रसिद्ध हैं, इन तीन लालों में से सबसे पहले कौन सा लाल जो है मुख्यमंत्री बना था, तो उसमें आएगा आपको बंसीलाल, ठीक है जी। बंसीलाल पहले लाल थे, उसके बाद देवीलाल, और देवीलाल के बाद आए थे भजनलाल, ठीक है जी। तो तीन लालों में सबसे पहले बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। अब जो है मनोहर लाल है, तो बंसीलाल को हरियाणा का निर्माता माना जाता है, हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं, आयरन मैन यानी लोह पुरुष माने जाते हैं, जिन्होंने हरियाणा में अपनी एक शक्ति का प्रदर्शन दिखाया था। इसके अलावा इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा विकास पार्टी का निर्माण किस लाल ने किया, तो आपको लगाना है उसका बंसीलाल। इसके अलावा किसानों के मसीहा जो है वो देवीलाल माने जाते हैं, जिन्होंने किसानों के लिए काफी अच्छा काम किया था, ठीक है जी। और भजनलाल के बारे में अगर क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आता है कि भजनलाल जो है सबसे लंबे समय काल तक सीएम रहे हैं, यानी कुल अवधि में, अगर टोटल अवधि में आता है तो उन लालों में सबसे लंबे समय काल तक भजनलाल जो है हरियाणा के सीएम रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सबसे अधिक बार कौन सीएम रहा है, तो आपको लगाना है ओम प्रकाश चौटाला जो है वो सबसे अधिक बार सीएम बने थे। और इनके बारे में दूसरा क्वेश्चन आता है आपको कि सबसे कम अवधि यानी सबसे छोटे समय काल तक जो सीएम बने हैं वो ओम प्रकाश चौटाला थे, ये 5 दिनों के लिए एक बार सीएम बने हैं, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको कि हरियाणा से केंद्र में कौन कौन से मुख्यमंत्री जो है मिनिस्टर के रूप में काम किया है, जैसे बंसीलाल ये जो है केंद्र में रेल मिनिस्टर और रक्षा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा भजनलाल भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, और इसके अलावा देवीलाल जो है देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले हरियाणा से पहले व्यक्ति थे। तो हरियाणा से देवीलाल ने 2 बार उप प्रधानमंत्री के रूप में पद को संभाला था, और इनको नॉर्मली किंग मेकर कहा जाता है, यानी हरियाणा के किंग मेकर जो थे देवीलाल थे, इन्होंने केंद्र में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है जी।
इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन आएंगे कि सबसे लगातार लगातार सबसे अधिक समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति, तो उसमें आएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये जो है लगातार 10 साल तक दो बार इनका कार्यकाल रहा है, 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल कितनी बार लगा है, तो आपको कहना है कि ये जो है हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लगा है। पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था 1967 में, 1967 में, और दूसरा लगा था 1977 में, 1970 में 10 साल बाद, और तीसरी बार लगा था 1991 में। तो हरियाणा में कुल जो है 3 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, और 67, 70 और 1991 में, ठीक है जी। तो हरियाणा में अभी तक आपने देखा कि मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री आपको बताया भजन लाल, बंसी लाल, और इस समय मनोहर लाल जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये पहली बार यानी बीजेपी दल से जो बहुमत के रूप में बीजेपी आई है वो मनोहर लाल इसके सीएम बने हैं। तो इस सरकार में मनोहर लाल खट्टर जो है बीजेपी के अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कुल पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी से सीएम बने हैं। इससे पहले कभी भी बीजेपी जो है अकेले दल के रूप में हरियाणा में सरकार नहीं बना सकी थी, ठीक है जी। थैंक यू।